So, hello everyone, a very good evening to all and welcome to Physicam Academy. फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम एटम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, आज हमारा एटम स्ट्रक्चर का लेक्चर होने वाला है। पहले इसको देख लेते हैं। जो नॉन सब्सक्राइबर्स है, जरा एक नज़र यहाँ पे डालिए जनाब। नॉन सब्सक्राइबर 70% देख रहे हैं भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए तो हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे आपको अच्छा सा बढ़िया सा कंटेंट देने में। हमें भी अंदर से जो है मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपका सपोर्ट है, कोई है, ठीक है, आपका सपोर्ट मिल रहा है तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम और भी अच्छा आप लोगों के लिए कुछ करें। तो सब्सक्राइबर्स तो जो है वो है, लेकिन नॉन सब्सक्राइबर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो देख रहे हैं वीडियोज लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चले तो आज होने वाला है एटम स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5। ज्यादातर चीजें, बहुत सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं, बस कुछ कुछ आखिरी वाली चीजें जो बची है, ठीक है, बस बस वही चीजें आप देखनी है, बस अब वही चीजें देखनी है। तो थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस भी बहुत सारे करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे, जो बची हुई चीजें वो भी देखते हैं। बाकी आपका ऑलमोस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा बहुत बचा है, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक बात देखते हैं, एक छोटी सी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। अरे हाँ यार, एक चीज तो रह गई, पहले फटाफट से वाटर बॉटल्स को ले लीजिए, पानी साथ में रख लीजिए और जो है प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ इस तरह से चीजें देखी थी कि किस तरह से जो बोहर थे उन्होंने अपना मॉडल दिया था, वो सिर्फ था 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए मॉडल था, ठीक है, और उनका लिमिटेशन ये था कि ये मोर देन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए उन्होंने अपना मॉडल को वो बता नहीं पाए क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्शन लगते थे। आपको पता है जैसे कि वो अट्रैक्शन की वजह से ही तो N+L रूल से मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी में फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह से बोहर ने जो बताया हुआ जो फॉर्मूला था वो वेव नेचर को भी रिसेम्बल कर रहा था, उसको खुद को नहीं पता था, ठीक है, लेकिन जो जब वेव नेचर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसका जो पॉइंट था उसमें बताया गया था किस तरह से अगर वो पहले शेल में है तो वो एक वेव कंप्लीट करेगा किस तरह से, तो हमने देखा था कि वेव लेंथ इज इक्वल्स टू उसका पेरीमीटर के, ठीक है, उसको इक्वेशन को इक्वल करके हमने देखा था कि वो उसका जो एक वेव जो होगा पहले तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, क्योंकि अगर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुआ तो वो रेंडमली मूव करेगा और रेंडमली मूव करेगा तो उसका वेव जो है वो पूरा वेव नेचर वो सही से नहीं आएगा। और जो है कि आप देखिए उसका कहीं पे क्रेस्ट आ रहा है, कहीं पे ट्रफ आ रहा है, कहीं पे क्या, वो बहुत रेंडम मोशन हो जाएगा, इस तरह से नहीं, वो प्रॉपर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम कुछ बातें लास्ट क्लास में पढ़े थे। फिर हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रीवियस से प्रीवियस क्लास में शायद देखा था, उसके रिलेटेड एक दो चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट से अपना जो है जो कुछ भी पानी वानी वगैरह लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाने के लिए पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए और बने रहे मेरे साथ, ठीक है। चल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में जरा देखते हैं कि मैक्सिमम, पता नहीं क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक एक सेकेंड एक सेकेंड, अब इश्यू नहीं होगा। मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो पूछ लेते हैं कि इसका बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा,
ठीक है, असल में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जो मैक्सिमम, ठीक है, जो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल है वो जो अप्लाई करना पड़ता है किसी भी फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। आपको पता है कि जैसे कि वो इफेक्ट था, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है इस प्लेट की ओर तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलता है। अब उतनी काइनेटिक एनर्जी अगर जितनी एनर्जी उसके पास होगी उतना ही अगर हम उसको पोटेंशियल देके अगर उसको रोक दे तो वही होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, तो जितनी ही काइनेटिक एनर्जी वो लेके निकला है बस उतना उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। जितनी एनर्जी वो लेके निकला है उतनी एनर्जी उसको सामने से धक्का दे के रोक दो, रुक जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जो कुछ भी होता है उसमें वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, और पोटेंशियल इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई बाई क्यू। बस सिंपल सा, इतनी सी बात थी बस। बस ये जो होता है इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी इतना नेगेटिव में पोटेंशियल उसको दे दो तो वो रुक जाएगा, यानी इतना धक्का उसको सामने दे दो तो बस वो वहीं पे रुक जाएगा, गया, खत्म हो गया। ठीक है, छोटी सी बात थी। इसके अलावा स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हमने लिया ही है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो एक दो बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रह गई थी, ठीक है, उस वक्त पढ़ा नहीं तो वो भी जरा देख ही लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में मैंने कुछ ग्राफ जो थे मैंने नोट करके रखे हैं आप लोगों को बताने हैं, ठीक है, वो ग्राफ शायद कभी पूछ ले आपसे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए अब ये जो है इसमें इसमें जो वर्क डन होगा ना, यानी ये जो पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा, कुछ एक छोटा सा है डेरिवेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, इससे भी शायद क्वेश्चन आ सकते हैं और मैं ये आपको जरा क्लियर करता चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, देखिए जरा, हमें तो ये पता ही है कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास होगी, ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू वी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें चार्ज और पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे क्यू वी और दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू वी एम हो गया, हाफ पी स्क्वायर हो गया, तो पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टू इंटू क्यू इंटू वी इंटू एम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, हाँ हमें पता है कि अब ये जो पार्टिकल अगर जा रहा है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो पी गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू क्यू वी एम। मास भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, जो भी है लैम्डा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे जो वी है इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, आप जरा सोचे ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही वेवलेंथ कम होगी, यानी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी, यानी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा। एक सेकेंड जरा आराम से सोचिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही वेवलेंथ उसकी कम होगी। ठीक है, वेवलेंथ कम होगी यानी उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, यानी ज्यादा एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकला है तो ऑब्वियसली उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा, बस सिंपल सा रिलेशन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें वो बता नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन अब इसके ऊपर है तो मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन काफी सारे पिछले टॉपिक्स पर भी है, आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, चलिए पहले इसका एक क्वेश्चन करिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। अच्छा एक और बात है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इन सब को सॉल्व करोगे ना, इन सब को,
तो यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा आएगा, 12.3 डिवाइड बाय एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन सब की वैल्यूज तो हमें पता ही है, चार्ज पता है, एच पता है, मास पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, देखना। ठीक है, अब उसको रोकने के लिए जितने ज्यादा पोटेंशियल हम देना पड़ेगा उतना ही करस्पॉन्डिंग उसका वेवलेंथ होगा, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया सा। देखो मास गिवन है 9.1 × 10⁻³¹ kg, किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है। काइनेटिक एनर्जी गिवन है यार 3 × 10⁻²¹ जूल। यार बहुत सिली सिली क्वेश्चन है, आप मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ सारा, बस आपने अगर कंसेप्ट सही से सीख लिया है ना एटम स्ट्रक्चर का, एटम स्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, अगर आपने सही से सीखा है ना कंसेप्ट तो नहीं जाएगा क्वेश्चन एटम स्ट्रक्चर से नहीं जाएगा। ठीक है, क्वांटम अलग चीज है, मैं एटमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, क्वांटम प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर में ऐड हुआ है। ठीक है, बाकी एटमिक स्ट्रक्चर पहले से है, और एटमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वो मैं आपको पीवाईक्यूज भी दूंगा, मैं कराऊंगा आपको पीवाईक्यूज, पीरियडिक प्रॉपर्टीज के भी पीवाईक्यूज बाकी है मुझे पता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, करवाने वाले हम ही कराएंगे। ठीक है, और ये जो मंथ है जुलाई का, इसमें मुझे दो टॉपिक्स कंप्लीट करने थे, पीरियडिक प्रॉपर्टीज और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक या दो ये क्लास लगेगी, शायद आखिरी क्लास है ये वाली। अब जो बचेंगे जो कुछ भी 8-9 दिन है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ दिनों में ना मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा, कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ले लेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, इजी इजी स्मूथ मूव करेंगे, बस आप बने रहे हमारे साथ। ठीक है, देखिए अब जरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आप आराम से कर दो, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इसलिए मैं कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा था मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बस इनकी वेवलेंथ ढूंढ दो, बोलो वेवलेंथ ढूंढने को बोल रहे हैं। अब वेवलेंथ ढूंढ दो यार, लेमड़ा आपको पता ही है, आपको फॉर्मूला पता है कि भाई लेमड़ा इसका होता है, ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखा है, शॉर्ट में आपको बताया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसकी एनर्जी इतनी है और उसका मास इतना है, यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास ही है ये। अब बोल रहा है कि इसमें वो वेवलेंथ उनके बताओ, ठीक है, तो हमें वेवलेंथ को बता देंगे सॉल्व करके। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, और फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, सॉल्व करिए अपने तरीके और देख लीजिए कि आपने ऐसे ही सॉल्व किया था। ठीक है, एच का वैल्यू पुट कीजिए, एम का वैल्यू पुट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q × V। ठीक है, तो Q × V, तो Q × V की जगह काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दो, यानी एच इज अंडर रूट ऑफ 2m × K। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दो, सारी वैल्यूज रख दो, आंसर आपका आना चाहिए 896.7 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, आपको ये सारे, अब तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ये सब बातें तो आपको पता होगी, तो मैं आपको फिर बता दूं, 10⁻¹ आता है मीटर, 1 नैनोमीटर यानी। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं, और बहुत ही एक जबरदस्त क्वेश्चन है इसके बाद, ये तो बहुत आसान दिख लेते हैं इसको भी, क्या क्वेश्चन है देखिए जरा, रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, इनकी वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी की बात तो यहाँ पे ही होगी ना, वेलोसिटी इनके जो, हाँ पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो दोनों का सेम है। ठीक है, अब जरा बताना ये है, वेवलेंथ ऑफ अल्फा अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, इनका रेशियो बताना है, बताइए जरा इनका रेशियो क्या होगा, देखिए जरा किस तरह से ये सॉल्व होगा।
जरा देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ के फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 2mqv। ठीक है, जरा देखिए किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो मास कांस्टेंट, फिर देखिए यहाँ पे चार्ज भी कांस्टेंट है, नहीं सॉरी मास दोनों का अलग अलग है ना, एक अल्फा पार्टिकल है एक प्रोटॉन है, तो मास जो होगा वो डिफरेंट होगा और चार्ज भी दोनों का डिफरेंट होगा। बाकी तो आपको पता ही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो ये आपको पता लग गया कि भाई इस क्वेश्चन में जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास इंटू चार्ज है। ठीक है, अब दोनों का देख लीजिए आप। ठीक है, एक का अगर आप अल्फा पार्टिकल का देख रहे हैं, तो अगर आप अल्फा पार्टिकल का देख रहे हैं तो उसका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 4 times मास ऑफ प्रोटॉन होता है और 2 times मास और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का तो हमें एग्जैक्टली वही लिखेंगे हम, तो मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बस अब दोनों का रेशियो निकाल दे। जरा ये जरा ध्यान रखना है, ऊपर वेवलेंथ अल्फा की है, नीचे वेवलेंथ प्रोटॉन की है। ठीक है, ये वाला रेशियो निकालना है, यानी कुछ इस तरह से होगा, देख लीजिए जरा कुछ इस तरह से होने वाला है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि क्यों कटेगा, रूट में, इसलिए कॉमन मैथ से ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 1/√8 यानी 1/√2। ऐसा रेशियो आना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये भी आंसर मिल गया होगा, आ गया होगा। ठीक है, अब ये वाला करते हैं कि नहीं करे, चलो कर ही लेते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें लेकिन कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन क्या बोला है कि डी ब्रोगलाई कि जो वेवलेंथ है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल्स टू 2 ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन, ठीक है, विल बी इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, पूछा है। ठीक है, देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल्स टू 2 ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन विल बी इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। ठीक है, इतनी वेवलेंथ किस में होगी, देखो n इक्वल्स टू 3 गिवन है, z इक्वल्स टू 1 है, और b ऑप्शन जो है n इक्वल्स टू 4 गिवन है, z इक्वल्स टू 6 गिवन है। देखिए जरा ध्यान रखिएगा, n इक्वल्स टू 6 है, z इक्वल्स टू 4 है, और डी ऑप्शन है n इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू 2। जरा ध्यान रखिए, आराम से देख के सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लोगों को, आप लोग भी सॉल्व करते चाहिए। देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, यहाँ पे जो है उन्होंने कुछ भी इस तरह से नहीं बताया है कि मास के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस उन्होंने ये बताया है कि भाई गिवन क्या है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल्स टू 2 गिवन है इनका। अच्छा वैसे भी ये किसके बात कर रहे, इलेक्ट्रॉन के बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जरा देखिए एन इक्वल्स टू 2 की बात, एन इक्वल्स टू 2 में और लिथियम प्लस 2 आयन, लिथियम यानी जो हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम, लिथियम तीसरा आता है, यानी इसका जो मास होने वाला है, सॉरी इसके अंदर जो है जेड कितना आएगा, जेड इसका आएगा 3। ठीक है, ये हमें डेटा गिवन है। ठीक है, अब इसके जो आती है वेवलेंथ डी ब्रोगली की, ठीक है, वो इक्वल्स टू ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है। अब आप जरा देखिए एच अपॉन एम इंटू वी, मास इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास तो सेम आएगा, एच भी कॉन्स्टेंट है, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, वेलोसिटी की बात होगी
और वेलोसिटी हमें पता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन होता है, ठीक है। पहले तो उसका जो है चार्ज कितना है पॉजिटिव का न्यूक्लियस में, और वो कौन से शेल में है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिपेंड करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये बात पता लग गई होगी। तो Li+2 की वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Li+2 की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, जेड बाई एन यानी 3/2 होगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 होगी। और तो इसकी वेवलेंथ क्या होने वाली है, वेवलेंथ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो वेलोसिटी जो है वो 3/2 कौन से में आ रही है, देखे जरा, ठीक है। जेड बाई एन का रेशियो 3/2 आना चाहिए, ठीक है। जेड बाई एन तो 1/3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है, बस करेक्ट हो गया। बस इसका जो है ये वाला जो डेटा है इसका जेड बाई एन का जो वैल्यू है वो 6/4 है, यानी 3/2 आएगा वेलोसिटी का, यानी वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/3, यानी इसी में इसी के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। आई होप सिंपल सी बातें हैं, आप में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये सारी बातें समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और बढ़ते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चल तो अब क्वेश्चन तो नहीं, अब कुछ और कर, कुछ और अब थोड़ी जो कंसेप्ट वाली बातें जो बची है, ठीक है, वो जरा छोटी मोटी बातों को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे, और मना नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस काफी है, करते हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट को अब क्लियर कर लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया ना अपना, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद अब एक और छोटी सी बात ले लेते हैं, ठीक है। हमने वैल्यू से हमने जो है एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो घूमता है उसमें उसकी एनर्जी के बारे में पता लग गया, वेलोसिटी के बारे में पता लग गया, रेडियस के बारे में भी पता लग गया है, ठीक है। ये सब बातें हमें पता लग गई, ठीक है। इनका सबका डेरिवेशन भी है लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं है, बस आपको बस ये याद रख लो कि आपको इतना जो इनका फॉर्मूला जो है ये आगे भी बहुत सारी जगह पर काम आएगा, इनको याद आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको शायद पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको आने चाहिए, हो जाएगा, ठीक है, इजीली। जैसे कि आपने अभी देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे वो जेड बाई एन, ठीक है। तो आपको हर बार डेरिवेशन तो करने नहीं बैठोगे, डेरिवेशन से भी होता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, आप फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। अब देखिए जरा, अब अगर इसके अलावा भी और कुछ चीज पूछ ले आपसे, आपसे टाइम पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फुला फुला शेल में अगर वो घूम रहा है तो वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो एक बार चक्कर मार के आएगा तो उसको कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप जरा सोचिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, या फिर कह ठीक है, यानी उसका स्पीड कह दीजिए, वेलोसिटी कह दीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना होने वाला है, डिस्टेंस तो है यहाँ पे 2 पाई आर, और रेडियस कितना है हमारे पास, 2 पाई इंटू a0 इंटू n² बाई z, ठीक है। इतना सा हमारे पास रेडियस है, और ये हमारे पास वेलोसिटी है, और डिवाइडेड बाई टाइम, इसको टाइम को ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल T नहीं करता मैं, डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, 2 पाई a0, ये कॉन्स्टेंट है, n² बाई z, और यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, अभी हमने पिछले लास्ट में देखा अभी कि वो z/n के होती है प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब देखिए जरा, या फिर इसको कहते कि इज इक्वल्स टू क्या होती है, इंटू v0 भी होती है ना, v0 इंटू z/n इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमने देखा था लास्ट टाइम, तो वही लिख देते हैं। अब जरा देखिए क्या होगा,
टू पाई ए नॉट अपॉन सॉरी इंटू एन स्क्वायर बाई जेड अपॉन वी नॉट और इंटू जेड अपॉन एन। ठीक है, अब ये हो गया क्या, पूरा कांस्टेंट हो गया। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, आपसे टाइम का फॉर्मूला तो शायद ना पूछे, फिर भी आप देख लेना। ठीक है, इसको अगर चाहो तो सॉल्व कर लेना, इसका वैल्यूज आपको पता है, ए नॉट का वैल्यू गिवन है, बी नॉट का वैल्यू गिवन है आप लोगों को। ठीक है, 52.9 एंगस्ट्रॉम समथिंग ए नॉट का है और 2.16 इनटू 10 टू द पावर 8 समथिंग बी नॉट का है, शायद इसमें गलती हो जाए तो आप देख लेना जरा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अगर इसमें गलती हो देख लेना जरा। ठीक है, आई होप इसमें इस तरह से सॉल्व कर लेना इसको। अब देखिए जरा, अगर टाइम पूछा है तो शायद फ्रीक्वेंसी भी पूछ ले कि उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, उल्टा कर दो इसका। ठीक है, हो गया सिंपल। इसमें जो है कंपेरिजन का क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला शायद ना पूछे, कंपेयर करने को आपको पूछ लेगा कि भाई कंपेयर करो। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन जरा देता हूं, सेकंड थर्ड, लिथियम प्लस टू है, एक सेकंड ना सर, एक मिनट एक मिनट। लिथियम जो है यहाँ पे प्लस टू है और उसका जो शेल की बात कर रहे हैं वो सेकंड शेल में बात कर रहे हैं, यानी उसका जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मान लो कि वो सेकंड शेल में है। ठीक है, और दूसरा कंपैरिजन में सामने उन्होंने गिवन है कि इसका मान लो कि टी वन, ठीक है, और सामने उन्होंने बोला है कि ये कुछ टी टू टाइम ले रहा है और इनका जो है वो तीसरे शेल में वो इलेक्ट्रॉन है, उसमें वो कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है वो बताओ। अरे यार क्या हो रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है वो जरा बताओ। ठीक है, और किसके लिए, किसके लिए पूछ रहे हैं, तो वो पूछ रहे हीलियम के लिए। अब बताओ कि इसको जितना टाइम लगेगा डिवाइड बाय इसको, यानी इन दोनों का टी वन बाई टी टू का रेशियो बताओ। ठीक है, तो आपको अब तो फॉर्मूला पता ही है, शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि एक जगह पर मैंने देखा था तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और जहन में तो नहीं आया था, शायद कहीं और मैंने एक कोई एंट्रेंस एग्जाम में मैंने देखा था कि इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, पहली बार इस तरह से मैंने क्वेश्चन देखा था। इसको सिंपल सी बात है, मैंने आपके सामने ही आपको सॉल्व करके दिखाया, फॉर्मूला पूरा मैंने डी आपके सामने ही किया है। तो इसी तरह से आपको भी अगर कोई अटपटा सा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता है उससे आपको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जितना हुआ है उतना मैंने करवा ही दिया। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, एटमिक स्ट्रक्चर से है, क्वांटम अलग चीज है, बट आई होप कि ना ही आए। लेकिन अगर आ जाए तो आप जरा अगर कंसेप्ट समझे होंगे ना तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, देखिए टी वन बाई टी टू क्या होगा। अब टी वन का जरा देखिए, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, तो सॉरी एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, तो T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कितना है 2 है, यानी 8 बाई z स्क्वायर, z कितना है 3 यानी 9। ठीक है, और T2 जरा देख ले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कितना है, थर्ड शेल है यानी 27, और हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस है यानी उसका जो होने वाला है 2 3, और उसका स्क्वायर करो 4। ठीक है, आई होप सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें गिवन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, बस तो फिर टी वन बाई टी टू कर दो, 8/9 इंटू 4/27 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर दो, आंसर हमारे पास आया था 32/243, कुछ मतलब इस तरह से, शायद जो कुछ भी ऑप्शन हो उसके हिसाब से थोड़ा
लिख देना, ठीक है। इस तरह से ये वाले ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो सॉल्व हो जाएंगे आपसे। फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, मैंने कहीं भी देखा नहीं फ्रीक्वेंसी के बारे में, शायद आ जाए, हमें पता लग गया, ठीक है। तो जरा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन जरा देखो, अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कुछ डीयू बीएचयू और कोई एंट्रेंस एग्जाम में कभी इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जरा मैं करवाता हूँ, आप जरा देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आर डिस्टेंस तक, यानी ये उसका जो रेडियस है वो आर है, ये एटम का रेडियस जो है वो आर है, यानी इसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन गया तो वो गया, यानी उसके फिर कोई अट्रैक्शन लगेगा नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी वो उसके ऊपर कोई भी इसका चार्ज लग रहा नहीं, ठीक है, नहीं लग रहा। अब अगर हम इसको अंदर लाएंगे तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी लगने वाले कितनी होगी, यानी हम वर्क कितना करेंगे इसको अंदर लाने में, वो होगा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन, यानी उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, जितना हम उसको करीब लाने में हमें वर्क लगेगा उतनी, ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स है, देख लेना, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, फिर भी मैं करा देता हूँ। आर इक्वल्स इनफाइनाइट से लेके उसका रेडियस तक, ठीक है, यानी यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी अगर वो यहाँ आर डिस्टेंस पे आ जाए, तो अब अट्रैक्शन लगेगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसमें आएगी, तो कितनी आएगी, जितना इसको ना वर्क करने में हमें लगेगा, ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क लगेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें आएगी, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इनफाइनाइट टू आर, हमें पता है कि एफ इंटू डी आर के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसको जरा सॉल्व करो, मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स वाले होंगे उसको आसानी होगी थोड़ी। के जेड ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डी आई डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, तो डायरेक्ट स्टेप लिख देता हूँ मैं, के जेड ई स्क्वायर इंटू वन अपॉन आर हो जाता है, और माइनस आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। अब जरा देखें, माइनस को बाहर निकाल लिया मैंने, और यहाँ जो है वो आर से ले सॉरी इनफाइनाइट से लेके आर हो जाता है, यानी एक बार आर पुट करना है, एक बार इनफाइनाइट पुट करना है, ये थोड़ा मैथ्स है, इसको जरा देख लेना, 1/r - 1/∞, ये क्या हुआ, इनफाइनाइट का, तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगी, और ये आया आंसर, क्या आएगा हमारा, इतना पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होने वाला है, यानी ये जितना भी रेडियस, यानी ये रेडियस क्या है पता है, मान लो कि ये यहाँ फर्स्ट शेल में आपको लाना है, तो फर्स्ट शेल का रेडियस क्या होगा, इतना सा रेडियस आर डैश हो जाएगा, यहाँ पे हमें आर डैश पुट करना है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को लाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा, तो ये जो जितना भी रेडियस, ये ना रेडियस वही उसको दिखाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को अंदर लाए, जितना अंदर लाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ जाए, आ गई होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो मिल गया, अब जरा देखते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो कि सेकेंड शेल में घूम रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, जितना करीब है अट्रैक्शन मिल रहा है उतने पोटेंशियल एनर्जी, और घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, इनके बीच में कुछ रिलेशन वो जरा देख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो जरा एक्सचेंज कर लेता हूँ, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या टोटल एनर्जी, इसको जरा ध्यान रखिए, फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द, तो यहाँ पे इनका जो चार्ज अट्रैक्शन लगेगा वो सेंट्रिपिटल के बराबर में होगा, यानी हमें पता है कि ये थोड़ा फिजिक्स है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, ठीक है, अगर गोल गोल घूम रहा है, तो उसके सेंटर के और उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, ये 11th 12th में पढ़े थे। तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा,
तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है कोलंबिक फोर्स, वही इनके बीच में सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल करने वाला है। तो कोलंबिक फोर्स क्या है यहाँ पे, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और सेंट्रिपिटल फोर्स हमें पता है कि एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो अब जरा इनके बीच में से थोड़ा रिलेशन निकालते हैं और जरा देखते हैं कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर होता है। और हमें ये चीज पता है कि एम वी स्क्वायर, ठीक है इतना हो गया। अब जरा देखते हैं और एक चीज, यहाँ पे हमें एम वी स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। और जरा ये देखिए, हमें ये चीज पता है कि ये इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ये क्या आया, एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जरा देख लीजिए, टोटल एनर्जी क्या आएगा, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आंसर आएगा, ये आ जाएगा हमारा टोटल एनर्जी। अब ये सारा डेरिवेशन को जरा छोड़ दे, इनको साइड में करें, ठीक है। और जरा एक मेन जो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है ना, इससे शायद क्वेश्चन आ सकता है, वो जरा देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप जरा यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वो पॉजिटिव में है, ठीक है, और टोटल एनर्जी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, और जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम वी स्क्वायर। तो क्या हुआ इसका मतलब, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, जो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल्स टू टोटल एनर्जी में पता लग गया, एक तो रिलेशन ये, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय टू, क्योंकि हमें एक चीज तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है के जेड ई स्क्वायर बाय आर यहाँ पे जो गिवन है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो माइनस में होती है, ये चीज भी हमें पता है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा है ना, कोई गलती तो नहीं हो रही, जरा बता दीजिएगा अगर कोई गलती हो तो। है शायद कुछ ना कुछ तो गलती है प्यारे, कुछ गलती है, जरा देखे यार यहाँ पे एक गलती है। आप तो क्या ही पता होगा यार, ये तो प्रीमियर चलेगा। मैं गलती मैं बता देता हूँ मेरी क्या गलती है यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नहीं होगा, अगर माइनस एम वी स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर हुआ, माइनस एम वी स्क्वायर हुआ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो आप जरा देख ले इसको, कि इसमें हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इरेजर से इरेज कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कुछ गलती हुई है डेरिवेशन में, कुछ इक्वेशन में गलती की है मैंने, ठीक है, उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जरा देखें, एक सेकेंड ना, बहुत सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेक्चर तो बहुत बढ़िया होने वाला है, बस जरा होल्ड करके रखें, जारी रखें, बने रहे मेरे साथ। अब जरा देखिए इसको किस तरह से होगा, ये हमें पता लग गया कि के जेड स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें कुछ मिला था। अब इसको जरा उसकी जगह पे जरा रख देते हैं, तो टोटल एनर्जी क्या होने वाला है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है वो चीज़ अब पूरी अलग है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग चीज है, और इसमें माइनस लगा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। अब एट द एंड तो हम सही जा रहे थे, बस फर्क इतना था कि इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया था, वो बात गलत थी। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी तो फिर भी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगी, यानी इसका मतलब हमें पता क्या चल रहा है, कि यहाँ से जरा देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर थी, टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी इज सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एक रिलेशन ये पता लग गया। इसके अलावा देखिए, माइनस के माइनस अगर हम इसको कर दे, माइनस ऑफ
के जेड स्क्वायर बाय आर जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। यानी इसको अगर हम बोल दें कि माइनस एम बी स्क्वायर जो होगा ना, ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारे पास है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जरा इसके बीच में भी हम रिलेशन इस तरह से निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डबल होगी काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, और ऊपर से माइनस का साइन लगेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव में होती है। इन दोनों का रिलेशन पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में भी रिलेशन हमें पता लग सकता है इजीली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। ये कुछ रिलेशन जो है इनके बीच में जो डेरिवेशन है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये कराया कि इससे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इतना बड़ा डेरिवेशन तो करोगे नहीं, थोड़ा मैं आपको लिखा देता हूँ उसमें, ठीक है। अब थोड़ा समरी देख लेते हैं किस तरह से रहा। फर्स्ट पॉइंट क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सेकेंड था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, और थर्ड है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ नहीं तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी भी माइनस में होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस में होती है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ये तीन जो फॉर्मूला जो रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ये जरा आप इसको याद कर लेना, याद करना ये जरूरी है, ठीक है। इसको जरा देख लेना एक बार, ठीक है। अब जरा बढ़ते हैं और इसके आगे जरा देखते हैं। और एक चीज और आप ही सोच रहे होंगे, ठीक है, आप एक बात जरा देखना, टोटल एनर्जी जो हमें एक चीज जो हमें पता ही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी वो शेल के अंदर जो मूव कर रहा है ना, वो कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था, उसकी एनर्जी कितनी होगी, इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें से आ ही जाएगा, ठीक है। जरा देखिए टोटल एनर्जी का हमें फॉर्मूला क्या मिला है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। मास की जगह मास रख दे, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी को रख दे, ठीक है। आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, हमें पता ही है कि वेलोसिटी जो होती है कि उसकी तो कितनी कितनी होती है वेलोसिटी उसकी, वेलोसिटी हमें पता है, जस्ट सेकेंड, जेड बाय एन होती है ना वेलोसिटी, ठीक है। हाँ जेड बाय एन होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन होती है। तो आप इसको जरा देखें, आप एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो है ही, वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन होती है, ठीक है। अब वेलोसिटी के जो कुछ भी उसके अंदर फॉर्मूला होता है वो पूरा पुट कर दो, आपको एट द एंड वही आंसर मिलेगा। इसको जरा देख लेते हैं क्या मिला हमें, टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की उस शेल में माइनस माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी होती है, वी नॉट इंटू जेड बाई एन, वी नॉट का भी कुछ वैल्यू है 2.18 × 10⁻¹, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो हमें मिलेगी -1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वी नॉट पता है, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपको सेम टू सेम वही आपको फॉर्मूला मिल जाए, यही वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला है ये वही फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी में वो घूमेगा, जिस भी एनर्जी में घूमेगा, जिस भी शेल में घूमेगा, उसके पास इतनी एनर्जी होने वाली है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जरा सा पानी वानी पी लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, फिर आगे की बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है, ठीक है। ये रिलेशन के बाद अब ज्यादातर हम जो करने वाले अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ, लेकिन उसके पहले मैं आपको अभी एनर्जी पे आया है तो एनर्जी का एक बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको एक थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दूंगा, आपको ये बहुत बढ़िया सा लगेगा, ठीक है। आपका थोड़ा कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, यानी आपको ये बात तो पता लग ही गई होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी है यही है, और टोटल एनर्जी जो होती है वो
वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही है, ठीक है। यानी जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें पता लग गई होगी। पानी वानी पी लीजिए, जरा फ्रेश हो जाइए, कहीं भी जाएगा मत, अपनी जगह पर बैठे बैठे पानी पी लीजिए और फिर अपने बहुत ही बढ़िया सा एक चार्ट, एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं एनर्जी का, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये सब रिलेशन सब क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी के बारे में थोड़ा अपना कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ना हाइड्रोजन एटम को ही ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे ले लेते हैं, यानी जेड जो होने वाला है यहाँ पे हमारा वन होने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस को ड्रॉ कर देते हैं, ये फर्स्ट शेल, ये होने वाला है सेकंड शेल, ये होगा थर्ड शेल और ये होगा हमारा फोर्थ शेल। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, या फिर कह दीजिए कि इक्वल्स टू -13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज है ना यहाँ पे पुट करते जाए, मान लीजिए कि हाइड्रोजन का आइटम है, इसका न्यूक्लियस है जेड वन होगा, और फर्स्ट शेल में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी यहाँ पे होगी, ठीक है, एट द डिस्टेंस ए नॉट, ठीक है। रेडियस में पता है रेडियस जो है वो एन डायरेक्टली a नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होती है ना, ठीक है, एट द रेडियस a नॉट, ठीक है। तो n भी 1 है, z भी 1 है, तो रेडियस क्या होगी, 1 होगी। z तो सब जगह पे 1 ही रहने वाला, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए हम देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि सेकेंड शेल में चलते हैं, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी होने वाली है, 4 इंटू ए नॉट, है नी। यानी कि अब देखिए जरा बोहर ने जो फॉर्मूलाज जो कुछ भी यहाँ पे हमें मिले हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज के बारे में हम जरा देखते हैं कि सेकेंड शेल न्यूक्लियस से 4 a0 जितने डिस्टेंस पे होगा, और यहाँ पे रहे इलेक्ट्रॉन्स की ये जो एनर्जी लेवल है कितना है, ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल होने वाला है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर यानी 4, -13.6 डिवाइड बाय 4 कीजिए जरा, हमें आंसर मिलेगा 3.4, ठीक है। यानी यहाँ पे उसकी एनर्जी होने वाली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए करीब में कितनी ज्यादा थी, और जैसे ही शेल बढ़ता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, यानी किस तरह से एनर्जी जो है वो कम हो गई, और दूर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे उसकी एनर्जी आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो डिस्टेंस होने वाला है ना न्यूक्लियस से लेके थर्ड शेल तक का, ठीक है, ये डिस्टेंस होने वाला है 9 a0, ठीक है। अब जरा देखिए फोर्थ शेल तक का देखते हैं, ठीक है, तो फोर्थ शेल में 16 a0 जितना डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो होगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए ना जरा, जैसे ही वो दूर जाते जा रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी जो है वो काफी काफी ज्यादा, जो पोटेंशियल एनर्जी जितने से वो स्टेबल होने वाला है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे -13.6 थी, माइनस के साइन क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो स्टेबिलिटी है, ठीक है। अब -13.6 थी यहाँ से यहाँ गई, तो स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन उतना ही कम लग रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस फर्स्ट और सेकंड शेल के बीच में कितना होगा, 3 a0 जितना डिस्टेंस होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में जरा देखिए 5 a0 का डिस्टेंस होगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में 11 a0 का, 5 a0 है ना, सॉरी
नाइन ए नॉट माइनस सिक्सटीन ए नॉट, ये दोनों का कंपेयर होगा ना, इसका तो नाइन ए नॉट है, इसका सिक्सटीन ए नॉट है, तो क्या होगा, सेवन ए नॉट का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इससे आपको ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, आप चाहे जितने भी शेल सोचते जाए, वो शेल की एनर्जी कुछ ना कुछ तो रही ही होगी एट द एंड। जब हम यानी कि यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इतनी एनर्जी दे दो, यहाँ से इतनी एनर्जी दे दो, यहाँ से इतनी एनर्जी दे दो। अब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को याद करो, आपने यहाँ वहां पे सुना था कि जितना बड़ा अगर उसका साइज होगा, उतनी ही पोटेंशियल उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी, उस शेल में से उसको उतनी एनर्जी देके उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अब यहाँ पे वो इतनी एनर्जी स्टेबिलाईज है, अगर इतनी एनर्जी दे दो वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे अंदर अंदर वाला शेल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है ज्यादा, इसमें और कम, इसमें और भी कम, इसमें और भी कम। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फर्स्ट शेल है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये देखना, इसमें गलती मत करना। कई लोग क्या करते हैं, अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, करके क्या आते हैं, देखें ये सेकंड शेल है ना, उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। और ये जो थर्ड शेल है, उसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, जरा अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और जरा सोचिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रहा है वो अगर एक शेल एक्साइट करता है, ठीक है, ठीक, सिर्फ एक शेल एक्साइट करता है तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ उसका, दो शेल एक्साइट करता है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हुआ उसका, जिस शेल में है वो उसका ग्राउंड स्टेट हुआ। तो इन सब चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, गलत करके मत आना, जरा देखना, ठीक है। अगर उसका इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है, तो फर्स्ट शेल में तो वो प्रेजेंट है, उसका ग्राउंड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, सेकेंड शेल उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और वो एक्साइट कर रहा है पहली बार, ये उसका अगर ये ग्राउंड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा हुआ, थर्ड शेल जो है वो उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये अभी तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम देखते हैं, तो ये होगा उसका थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। आई होप आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी, और अब एनर्जी का सारा जो मामला है वो आपको एकदम ही क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब जरा और थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ बातें हैं उसको जरा देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी और बात कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन एक छोटी सी और एक कंसेप्ट को जरा देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपने एक दो क्वेश्चंस करके क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। बाकी के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम कल करने वाले हैं। अगर आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए, यानी जो हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, ठीक है। यानी जो भी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर जब वो एनर्जी को बाहर निकालेगा और जो भी हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, ठीक है। अब अगर आपको ये बताना है, तो इसमें इसका फॉर्मूला गिवन है कि n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। डीयू बीएचयू कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या जैम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरा ध्यान से, वही मैं आपको चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे n जो है ऑलवेज उसका ग्राउंड स्टेट होगा। यानी आप जरा सोचिए ना, अगर आप किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें काउंट करने हैं, ठीक है, तो जो भी एटम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो ग्राउंड स्टेट में ही होगा ना, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट में ही होगा। तो उसी को सोच के उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, ये एक्साइटेड स्टेट के लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से फॉर्मूला लगा के देखते हैं,
तो वो जो है उसका एक्साइटेड स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट वालों के एप्लीकेबल है, और एन जो है यहाँ पे वो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन का एन होना चाहिए। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन करके देखते हैं। एक सेकेंड ना, चलिए क्वेश्चन करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि विजिबल लाइंस, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने विजिबल लाइंस पूछा है। ठीक है, अब जैसे ही अगर कोई आपको एक तो बात पता ही है, ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको एक बहुत ही बढ़िया सी बात बताई थी कि जब वो हमने पूरा सीरीज पढ़ा था, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, बिफंट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सारा सीरीज हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अगर कोई जो इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी तो ऑब्वियसली वो एक शेल से दूसरे शेल में एक्साइट करने वाला है। ठीक है, अब देखिए आप जरा सोचिए, जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, जरा सोचिएगा जरा। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए कि अगर हम किसी भी एटम को, अगर हम उसके डिफरेंट डिफरेंट शेल है, अगर उस पर हम एनर्जी डालते हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है, जब वो एमिट करेगा सेम रेडिएशन, ठीक है, तो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा पूरा। ठीक है, वो स्पेक्ट्रा जो हमें मिलेगा उसमें जरूरी तो नहीं है ना कि सारे विजिबल ही हो। ठीक है, हमें तो पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रारेड भी मिल रहे थे, यूवी भी मिल रहे थे विजिबल जो है। ठीक है, उसके अलावा जो है रेडियो वेव्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हमें मिल रहे थे। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है कि एक शहर से दूसरे शहर ही जाए, उसको इतनी एनर्जी मिल गई, यहाँ से यहाँ चला जाए, फिर यहाँ से यहाँ रिटर्न हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ रिटर्न हो, यहाँ से यहाँ रिटर्न हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज वो रेडिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि विजिबल लाइंस जो है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट में से रिटर्न कर रहा है, यानी आपको यहाँ पे क्या बताना है कि यहाँ पे देखिए आप जरा सोचिए कि वो फिफ्थ ऑर्बिट से, आप यहाँ पे एक इजी इजी मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि फिफ्थ ऑर्बिट से वो रिटर्न कर रहा है, ज्यादा ज्यादा फिफ्थ ऑर्बिट में गया था, ठीक है, और फिफ्थ ऑर्बिट से वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब आप जरा यहाँ पे बताइए कि विजिबल लाइन्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ विजिबल लाइन्स को आप जरा बताइए, तो नंबर ऑफ विजिबल लाइन्स उसके क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ विजिबल लाइंस उसके होंगे फिफ्थ ऑर्बिट में, अगर है ना, तो आप सेकेंड शेल में अगर वो लौट के आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में अगर वो लौट के आया, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ जो लाइंस होंगे, विजिबल लाइंस होंगे, तो जो जो उसका ट्रांजिशन होगा वो विजिबल लाइंस का होगा। यानी अगर वो फिफ्थ से सेकेंड में आ रहा है, फोर्थ से सेकेंड में आ रहा है, और थर्ड से सेकेंड में आ रहा है, तो ये तीन टाइप ऑफ उसका पॉसिबल है। ठीक है, अगर अगर जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट तक वो गया है, ठीक है, तो कुछ ये भी हो सकता है कि फिफ्थ से सेकंड में आया हो, फोर्थ से सेकंड में आया हो, थर्ड से सेकंड में आया हो, यानी तीन टाइप ऑफ विजिबल लाइंस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी तीन टाइप ऑफ विजिबल लाइंस जो है वो प्रेजेंट है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मुझे उसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस भी कराना है, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, मुझे आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराने हैं अभी, इसलिए तो लेक्चर को थोड़ा लिमिटेड लिमिटेड रखते हैं। इसके बारे में कल थोड़ा सीख लेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ढूंढ ढूंढ के बताना फिर ये डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए, कंटिन्यूटी टूट जाएगी वरना, तो ऐसा नहीं करना है हमें। मैं एक आपके लिए जो है इसके इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन है मुझे वो भी कराने हैं आपको, तो ये अगले लेक्चर में हम इसको सारा एक साथ में करते हैं, क्योंकि ब्रेक नहीं करना है बीच में से, फिर लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करते, लेक्चर भी लिमिटेड रखते ताकि आप भी थक ना जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम है, बचे जो दिन उसमें हमें क्वेश्चन ही करने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन अल्टरनेट डेज में लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं आपके लिए, करेंगे और एकदम फोड़ के आएंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।